हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो हो गई है सुबह की शुरुआत। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। और सुबह की शुरुआत हुई है खाना बनाने के साथ। सुबह वाले जितने भी काम होते हैं वो सारे काम हो चुके हैं, खाना भी हमारा बस बनने ही वाला है। सब्जी हमने बना दी है, चाय भी बन चुकी है, सब लोगों ने पी ली है। उसके बाद रोटी बना रहे हैं हम। और खाना बनाने के बाद आ गए हैं कपड़े धोने, क्योंकि कपड़े भी ढेर सारे हो जाते हैं और कभी हम पहले धो लेते हैं, कभी खाना बनाने के बाद धोते हैं। तो यहाँ पर कपड़े धो लेते हैं। और सुबह उठते ही लग जाते हैं अपने काम पर। और जल्दी उठने का फ़ायदा ये होता है कि हमारे काम सभी सही समय पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर खाना भी बन चुका है, कपड़े भी धो चुके हैं और यहाँ पर हम करने जा रहे हैं नील। नील रखी हुई थी तो हमने सोचा चलो बनियाइन में कर देते हैं। और यहाँ पर सारे कपड़े धो चुके हैं, उसके बाद इनको फैला देते हैं। वैसे सूखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, जरा सी देर में सारे कपड़े सूख जाते हैं। और इतनी तेज़ धूप होने लगी है कि बहुत ज़्यादा धूप होती है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। और ये है उसके बाद दोपहर का समय और हम भिगोने जा रहे हैं दाल चावल। जी हाँ, ये दाल चावल है, ये है चावल। तो इनको पहले साफ़ कर लेते हैं। और ये एक कटोरी चावल है, बड़ी वाली कटोरी। तो पहले अच्छे से साफ़ कर लिया है, उसके बाद इसको भिगो देंगे। और वो दो छोटी कटोरी में है, एक कटोरी है उड़द की दाल और एक कटोरी है चने की दाल। इनको भी अच्छे से भिगो देंगे साफ़ करके। और उसके बाद हम बनाएंगे एक रेसिपी। तो इनको भिगोने में 4-5 घंटे तो लग ही जाएंगे, तो इसीलिए इनको अभी से भिगो दिया है। और ये जो छोटी कटोरी है इसमें मेथी थोड़ी सी भिगोई है। तो अभी तो 1:30 बजे हैं, लगभग 1:30 ही बजे, 1:35 हो चुका है। तो 3-4 घंटे तो इनको लग जाएंगे भीगने में अच्छे से। और आज है बड़े मंगल का भंडारा, तो हमारी चारू को भी प्रसाद मिल गया है, तो वो प्रसाद खा रही हैं। और अभी से लग गए हैं काम पर, 3 बज रहे हैं, अभी से लग जाओ तब जाकर सारे काम हो पाते हैं। और दोपहर में 12 बज जाता है, उधर 3 बजे फिर से चालू हो जाते हैं सारे काम। तो यहाँ पर झाड़ू लगा चुके हैं और इधर आ गए हैं इस वाले आंगन में। और यहाँ पर ज़्यादा कूड़ा तो नहीं होता है बस, लेकिन फूल का पेड़ लगा है तो फूल गिरते रहते हैं, उन्हीं का कूड़ा रहता है, तो उसी को साफ़ कर देते हैं। और जब छोटे बच्चे होते हैं तो कितनी भी बार झाड़ू लगाओ वो कम ही रहती है, सारी चीज़ें इधर उधर किया करती हैं, कुछ ना कुछ इधर उधर गिराया करती हैं। तो जाने कितनी बार दिन भर में झाड़ू लग जाती है। और पूरे घर में झाड़ू लगा दी है, उधर भी लगा दी है, तो झाड़ू का काम हमारा ख़त्म हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमारी चारू का डांस साउंड बजवा लिया है, उसी पर डांस कर रही हैं, अकेले ही मस्त रहती हैं ये। और उसके बाद ये देखिए, ये है शाम का समय, दाल हमारी अच्छे से भीग चुकी है, चावल भी भीग चुके हैं, तो दाल को साफ़ कर लेते हैं। और उड़द की दाल को जो है धोने में थोड़ा सा समय लगता है। उसके बाद सबसे पहले हम चावल को पीस लेंगे मिक्सी में। ये देखिए, तो बहुत ही बारीक पेस्ट बनाना होता है इसका। और चावल हमने पीस लिए थे, उसके बाद उड़द की दाल को भी पीस लेते हैं। और सारी चीज़ों को है बारीक ही पीसना है, तो थोड़ा थोड़ा सा पानी हम मिलाते जा रहे हैं ताकि बारीक पीसे। तो यहाँ पर ये देखिए, उड़द की दाल भी पीस चुकी है, अब इसी चावल के पेस्ट में इसको भी मिला देते हैं। और उसके बाद पीसते हैं चने की दाल, और हमने जो मेथी भिगोई थी उसको भी डाल देते हैं, और 2 चम्मच हमने चीनी डाल दी थी इसमें। अब सारी चीज़ों को एक में ही मिला देंगे और अच्छे से चलाएंगे। और तीनों चीज़ों का पेस्ट लगभग हमारा तैयार हो चुका है, एक में मिल चुका है। तो काफ़ी देर तक चलाने के बाद ये देखिए हमारा पेस्ट कैसे तैयार हो गया है। अब हमने भगोने के ऊपर एक थाली रख दी है, अच्छे से बंद कर दिया है, और इसको जो है तौलिए से लपेटेंगे ताकि बाहरी हवा इसके अंदर न जाने पाए, बहुत ही ढक कर रखना पड़ता है। और कौन सी आती तुमको? और टेलिंग लाई? हाँ, टेलिंग लाई नो पापा। नो पापा। ओपन योर माउथ। हाँ हाँ। और कौन सी आती है तुमको? और आती दादा साथ ले, चूल्हा पे साथ ले, मेरे घर में आओ ना, हलवा पूरी खाओ ना, दादा बेची छुड़। हाँ।
कुर्सी पर बैठे पतली लाल की नानी है जी मऊता पानी है और तैयारी तो सारी हमने कर ली है, लेकिन अभी तक आप लोगों को हमने ये नहीं बताया कि हम बनाने क्या जा रहे हैं। तो हम बनाने जा रहे हैं मसाला डोसा, तो उसी की तैयारी हमने की है। तो यहाँ पर इनको तैयार कर देते हैं और आज हम बनाएंगे नारियल की चटनी और टमाटर की चटनी। मसाला डोसा के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी लगती है। और यहाँ पर हमने लिया है एक नारियल और ये नारियल काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, कम से कम 7-8 दिन हो चुके हैं। तो इसकी हम चटनी बनाएंगे और हमारी बिटिया रानी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी कब नारियल फोड़ा जाएगा। तो यहाँ पर इसकी गरी निकाल लेते हैं और इसका पानी भी निकाल लिया है हमने, तो अपनी बिटिया को दे देते हैं पीने के लिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है नारियल का पानी। हेलो दोस्तों, तो शाम के अभी 6:30 बज रहे हैं। चारू को तैयार कर दिया था, वो तो बाहर ही खेल रही हैं क्योंकि लाइट चली गई थी तो अभी आई नहीं। देखिए किचन में अंधेरा ही है और जब लाइट चली जाती है तो घर में इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है, क्या बताएं। तो चारू तो रुकती नहीं, कोई भी नहीं रुक पाता है, और हमको बनाना है खाना तो उसकी तैयारी भी करनी है। और लाइट आए या ना आए हम गैस को बाहर ही निकाल लेते हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगने लगी है। चलिए बाहर निकालते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं तैयारी। तो सबसे पहले मसाला तैयार करेंगे, उसके लिए हम काट रहे हैं प्याज और प्याज को थोड़ा सा मोटा ही काटना है। जैसे ही हमने गैस बाहर निकाली वैसे ही लाइट आ गई, तो बनाते हैं मसाला डोसा। तो मसाला डोसा बनाने के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई में तेल डाल दिया है और उसमें अब डालेंगे राई, यानी ये जो सरसों के दाने हैं ये डालेंगे। और ये देखिए राई के दाने जो है चटकने लगे हैं। और अब इसमें हम थोड़ी सी डाल देते हैं हरी मिर्च कटी हुई, इसके बाद डालेंगे थोड़ी सी करी पत्ता। और करी पत्ता डालने से जो है मसाला डोसा का जो मसाला तैयार होता है बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत अच्छा स्वाद आता है। तो करी पत्ता डाल दिया है, अब इसमें हम डाल देंगे प्याज कटा हुआ प्याज, हमें थोड़ा सा मोटा ही काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। तो दोस्तों प्याज को हमको ज़्यादा पकाना नहीं है, बिल्कुल ब्राउन कलर नहीं करना है। अब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस इसमें हम डालेंगे उबली हुई आलू, हमने आलू उबाल के रख ली थी, थोड़ा सा मैश कर देंगे तब इसमें डाल देंगे। क्या कर रहे हैं? बना रहे हैं डोसा अपने बाबू के लिए। तुमने खाए कि नहीं खाए अभी? खाओगी? भैया के लिए बना रहे अपने डोसा। इसमें क्या डाल रहे हैं? ये क्या है? दोस्तों आलू को हमने थोड़ा सा मैश कर लिया है, उसके बाद इसमें डालेंगे पिसी हुई थोड़ी सी धनिया। और इसमें बहुत ही कम मसाले पड़ते हैं और फिर भी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, ज़्यादा मसाले इसमें नहीं डाले जाते हैं। तो हमने पिसी हुई थोड़ी सी धनिया ली है, ये डाल देंगे। और इसमें थोड़े से डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमने हरी मिर्च भी डाली थी तो थोड़ा सा ही लाल मिर्च डालेंगे। थोड़ा सा आमचूर पाउडर, क्योंकि आमचूर पाउडर डालने से स्वाद और भी अच्छा बढ़ जाता है। और उसके बाद इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई, और उसके बाद नमक स्वाद अनुसार, ठंडा होगा तब तक हम और तैयारी कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इससे, तो आप लोग घर पे ट्राई कर सकते हैं। अगर आप लोग बाहर नहीं जा पाते हैं खाने के लिए तो आप घर पर भी बना सकते हैं। दोस्तों जो हमने नारियल छीला था उसको काट लिया है बारीक, अब इसको हम मिक्सी में पीसेंगे, क्योंकि दो चटनी रहेंगी, एक नारियल की रहेगी और एक मीठी वाली रहेगी। तो हमने लिए हैं भुने हुए चने और ये है हरी धनिया, थोड़ी सी अदरक, एक हरी मिर्च और ये है मूंगफली के दाने। और मूंगफली के दाने फिर ही तो मूंगफली छीली है तब जाके दाने निकाले, और ये भुनी हुई मूंगफली के दाने हैं। तो सारी चीज़ों को डाल के पीस लेते हैं और बनाते हैं नारियल की चटनी। और इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। लगाने जा रहे हैं अपनी नारियल की चटनी में, तो सबसे पहले डालेंगे सरसों का तेल, और उसके बाद डालेंगे सरसों के दाने, और
राई हमारी चटकने लगी है, तब इसमें हम डाल देंगे। इसमें डालेंगे लाल मिर्च, हमारी टेस्टी जो है नारियल की चटनी बनकर तैयार हो गई है। अगर आप लोगों ने अभी तक नारियल की चटनी नहीं बनाई है तो जरूर बनाइएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और एक अलग सी चटनी बनकर तैयार हो गई। तो दोस्तों नारियल की स्वादिष्ट चटनी तो बनकर हो गई है तैयार, अब हम बनाने जा रहे हैं टमाटर की तीखी मीठी वाली चटनी। तो हमने लिए थे 4 टमाटर, उसमें डाले थे 2 हरी मिर्च और उसको जो है बारीक पीस लिया था। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा तेल डाला है, उसमें थोड़ी सी हींग, थोड़ा सा जीरा ही डाला है और बस इसका लगा दिया है तड़का और ये सिंपल ही चटनी बनेगी। और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको पकाएंगे और उसके बाद इसमें डाल देंगे करीब 4 चम्मच हमने चीनी डाली थी और हमको थोड़ा सा नमक कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। और जब मीठी और तीखी होती है तो चटनी बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और इसमें थोड़ा सा स्वाद बढ़ाने के लिए हमने थोड़ा सा मैगी मसाला भी डाल दिया है। तो ये देखिए काफ़ी देर पकाने के बाद हमारी चटनी भी बनकर हो गई है तैयार। दोस्तों सारी तैयारी हो चुकी है, चटनी भी बन चुकी है, तो अपना बेटर देखते हैं जो हमने पेस्ट बनाया था। इनको करीब 2 घंटे हो चुके हैं रखे हुए। रख दिया है और गैस की आंच तेज कर दी है और तवे को गर्म होने देते हैं, उसके बाद फिर धीमे करेंगे। तो देखिए हमारा तवा गर्म हो चुका है, तो इसको कर लेते हैं धीमा। और इसमें तवा हमारा गरम हो चुका है, उसमें डाल दिया है तेल, थोड़ा सा तेल डालने के बाद उसको साफ कपड़े से पोंछ दिया है। उसके बाद डाले हैं पानी के छींटे और साफ कपड़ा लिया है हमने पोंछने के लिए, तो उसको पोंछ दिया है। उसके बाद जो हमने पेस्ट तैयार किया है, बिल्कुल पतला सा तैयार करना है पेस्ट, उससे हम बना रहे हैं डोसे। ये देखिए कितने बढ़िया डोसे तैयार हो रहे हैं, वो भी रोटी वाले तवे पे। और बिना डोसा तवा के हमने घर पर रोटी वाले तवे पर ही इतने बढ़िया डोसे तैयार कर दिए हैं। और ये देखिए गर्मा गर्म एकदम करारे डोसे तैयार हो रहे हैं। और गर्मियों में आपका मन कर रहा है बिना कुछ तला भुना खाने का, तो आप ये रेसिपी जरूर ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी रेसिपी है और इसमें कुछ भी नुकसान करने वाली कोई भी चीज़ नहीं है। दोस्तों गर्मा गर्म डोसे बनकर हो गए हैं तैयार, और ये है नारियल की चटनी और ये है टमाटर की मीठी वाली चटनी। तो आप लोग भी आइए खाइए और घर पर ही बाहर का मज़ा लीजिए, आप लोग भी बना सकते हैं घर पर बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप लोग भी खाइए और खाकर बताइए कि हमारे बनाए हुए डोसे आपको कैसे लगे। लीजिए आप लोगों के लिए, आप लोग भी गर्मा गर्म डोसे खाइए आकर और कमेंट में बताइएगा कि आपको डोसे कैसे लगे। तो चलिए सबको देखते हैं और खिलाते हैं, क्योंकि डोसे तो गर्मा गर्म ही अच्छे लगते हैं, जरा सी देर हो जाती है तो जरा सी देर में ठंडे हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले खिलाया बिल्कुल गर्म गर्म, तो आप सबको खिलाते हैं। और सच में घर में बनाई हुई रेसिपी की तो बात ही कुछ और होती है और सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था मसाला डोसा। और आप जब घर पे बना सकते हैं तो बाहर जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं, घर पे बनाइए और सबको खिलाइए। तो इसी के साथ आज का वीडियो यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।